नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं कुंडली के अलग अलग भाव के ऊपर। एक कुंडली चक्र में टोटल 12 भाव होते हैं और पूरे आकाश मंडल में 12 राशियां हैं, अर्थात यही 12 राशि आपके हर भाव में विभाजित होती है। आप जब जन्म ले रहे थे तो उस समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय हो रही थी वही आपका प्रथम भाव होता है, और प्रथम भाव की जो राशि होगी वो वही राशि होगी जो उदय हो रही थी, और उसी हिसाब से आपके कुंडली चक्र में राशियां विभाजित होती हैं हर भाव में। तो आज का हमारा विषय है सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस आपकी कुंडली में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जीवन के चार मुख्य स्तंभ के ऊपर बात किया था जो हम कुंडली चक्र से देखते हैं, जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भाव भी कहते हैं। तो यह चार स्तंभ तीन तीन भावों में विभाजित है। मैं एक बार फिर से बतलाता हूं, जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव धर्म का भाव होता है, द्वितीय भाव, छठा भाव और दसवां भाव अर्थ का भाव है, उसी प्रकार तीसरा भाव, सातवां भाव और ग्यारहवां भाव आपकी कामनाओं का भाव है, और चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव मोक्ष के भाव कहलाते हैं। तो आज का हमारा विषय सप्तम भाव है, जो कि एक काम भाव है, और कुंडली में यह दूसरा काम भाव है। पहला काम भाव आपका तृतीय भाव है, दूसरा सप्तम भाव और तीसरा एकादश भाव है। तो काम से हम कामनाओं को समझते हैं। आपके जीवन में कोई भी कामना, किसी भी प्रकार के होप्स, आपके कोई भी विशेष, कोई भी डिज़ायर, वो हम इन भावों से देखते हैं। तो सप्तम भाव को इन जनरल तो हम जानते ही हैं कि मैरिज का स्थान हम बोलते हैं। सप्तम भाव से हम आपके बिजनेस, पार्टनरशिप और मास फेम को भी देखते हैं। आपके अपने एनिमी को भी हम सप्तम भाव से भी देखते हैं। एक तो छठा भाव है और दूसरा सप्तम भाव से भी देखते हैं। यह क्यों देखते हैं वो हम आगे बात करेंगे। आपके शरीर में सेक्सुअल ऑर्गन और एक प्रकार का सेक्सुअल लाइफ भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। आपके जो भी अपोनेंट हैं, अपोनेंट का अर्थ है कि कोई भी कंपिटिटर या फिर आपके जस्ट सामने वाला, क्योंकि आप खुद प्रथम भाव हैं और आपके जस्ट सामने वाला सप्तम भाव होता है, इसीलिए यह अपोनेंट का भी स्थान है। आपके स्पाउस का फिजिकल बॉडी, आप अगर पुरुष हैं तो आपकी स्त्री का जो शरीर है, या फिर आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति का जो शरीर है उसे हम सप्तम भाव से देखेंगे। किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन, आपके अपने कंफर्ट जोन, हैप्पीनेस को हम सप्तम भाव से देखते हैं। किसी भी प्रकार का लीगल बाउंडिंग या फिर एग्रीमेंट, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। मेनली सप्तम भाव से हम किसी भी स्त्री से रिलेशनशिप, किस प्रकार का किसी स्त्री से आपका रिलेशनशिप रहेगा, किस प्रकार का उनसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा, उसे हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव ही आपका सेकंड चाइल्ड है और आपके अपने क्रिएटिविटी को हम सप्तम भाव से देखते हैं। अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के मतानुसार सप्तम भाव आपकी स्त्री, पत्नी, पति, शादी, शादीशुदा जिंदगी, कामदेव, वीर्य, मूत्रेंद्रिय, यात्रा, पथ, उत्पादन क्षमता, दूध आदि पीने की वस्तुएं, पिता के बड़े भाई या बहन और आपका अपना व्यापार को हम सप्तम भाव से देखते हैं। लाल किताब में सप्तम भाव को गृहस्थ आश्रम की चक्की के समान माना गया है। बुध जो आकाश के सूचक हैं और शुक्र जो पृथ्वी के सूचक हैं, यह चक्की के प्रयुक्त पत्थर के समान माने गए हैं, और इनके चलने से ही संसार के कार्य संचालित होते हैं। इस भाव में अगर मंगल या बृहस्पति अथवा उनके कोई भी मित्र की युति होती है तो यह शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए हम जानें, भावत भवम के सूत्रों से देखा जाए तो सप्तम भाव और क्या क्या चीज़ें हैं। पहले जो हमने बात की यह तो इन जनरल बात है, अब हम सप्तम भाव का गुप्त रहस्यों को डिकोड करते हैं। तो सप्तम भाव प्रथम स्थान से सप्तम में पड़ता है, इसीलिए यह स्थान आपके मैरिज, आपके अपने स्पाउस का स्थान है। सप्तम भाव द्वितीय स्थान से छठा स्थान है, इसीलिए यह स्थान आपके अपने फैमिली का जो भी कर्ज है उसको हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके फैमिली में किस प्रकार के
डिजीजेस व्याप्त हैं, किस प्रकार के रोग हैं, अर्थात आपके फैमिली के मेंबर्स में एक जेनेटिक जो रोग देखेंगे वो हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके फैमिली के एनिमी को भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव तृतीय भाव से पंचम स्थान में होता है, इसीलिए यह स्थान आपके अपने छोटे भाई बहन के बच्चों का भी स्थान है। यह सप्तम भाव आपके खुद के सेकंड जो चाइल्ड होंगे, जो आपके दूसरे संतान होंगे, उसको भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके अपने छोटे भाई बहन के एजुकेशनल इंटरेस्ट को या फिर उनके एंटरटेनमेंट, उनके फन स्पोर्ट्स या फिर उनके इंटेलिजेंस को हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ में पड़ता है, इसीलिए यह स्थान आपकी नानी का स्थान है। नानी का स्थान इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी माता का स्थान है, और चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात आपकी माता की जो माता होंगी वह आपकी नानी होंगी, इसलिए आपकी नानी से आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। ऐसा कोई भी स्थान जो आपके घर से दूर है पर वह आपको घर का फील देता हो वह भी हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। उसे हम होम अवे फ्रॉम होम बोल सकते हैं, या फिर आपका अपना कोई हॉस्टल हो या वेकेशन होम हो जहाँ पे हम अपने वेकेशन को बिताने जाते हों, वह भी सप्तम भाव से ही देखते हैं। या फिर सप्तम भाव से हम ऐसे धन को, ऐसे वेल्थ को देखते हैं जो हमने अपने घर से दूर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूएबल ज्वेलरी, गोल्ड आदि चीज़ें हैं तो वो हम मोस्टली अपने बैंक में स्टोर करके रखते हैं। तो जो बैंक में हमने स्टोर किया है वो उसकी क्या स्टेटस होगी, उसको अगर देखना है तो वो हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव पंचम भाव से तृतीय स्थान है, इसलिए आपके अपने बच्चों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका अपना स्किल, उनकी हॉबी, उनका अपना पराक्रम को हम सप्तम भाव से देखते हैं। क्योंकि पंचम भाव आपके संतान का स्थान है, आपके अपने बच्चों का स्थान है, और सप्तम भाव उसे तृतीय माना जाता है, तृतीय स्थान में पड़ता है। तो तृतीय स्थान कम्युनिकेशन, आपका अपना हॉबी, आपके स्किल्स, मेनली आपके हैंड के स्किल्स को हम सप्तम भाव से देखेंगे, आपके बच्चों के हैंड के स्किल्स को हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव छठे स्थान से द्वितीय भाव में पड़ता है, इसलिए यह स्थान आपके अपने रोग, ऋण और शत्रु के जमा धन का स्थान है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो आपके जो भी एनिमी होंगे उनका जो वेल्थ है, उनका जो जमा धन है, उसको हम आपके ही सप्तम भाव से देखेंगे। या फिर आपके हेल्थ में उत्थान या पतन को भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके एनिमी का अपना विक्ट्री, उनकी जीत आपके ऊपर, उसको हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके मामा का धन को भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव से प्रथम में है होता है, इसीलिए मेनली यह मैरिज का, आपके अपने स्पाउस का, बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार के लीगल बॉन्डिंग का स्थान है। सप्तम भाव अष्टम भाव से बारहवें स्थान में पड़ता है, इसलिए यह स्थान आपके अपने सेक्सुअल लाइफ के लॉस का स्थान है। क्योंकि अष्टम भाव आपके सेक्सुअल लाइफ का स्थान है, आपके इन लॉज का स्थान है, तो आपके इन लॉज के प्रति जो भी लॉसेस होंगे या फिर इन लॉज के जो ट्रैवल होंगे उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव हिडन नॉलेज, रिसर्च, ऑकल्ट नॉलेज, योगिक नॉलेज को दर्शाता है, आपके अपने इंट्यूशन को दर्शाता है। और सप्तम भाव अष्टम से बारहवां है, इसीलिए इंट्यूशन का जो लॉस है, आपके खुद के अपने इंट्यूशन का लॉस को हम सप्तम भाव से देखते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट किसी भी हिडन नॉलेज के प्रति या फिर रिसर्च के प्रति, उसके जो लॉस होंगे, मतलब आपके लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ हिडन नॉलेज, रिसर्च और एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट नॉलेज, पारलौकिक विद्या जो होती है, वो अष्टम भाव है, इसलिए इन चीजों का लॉस को हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव नवम भाव से एकादश स्थान में होता है, इसलिए यह आपके पिता का कामनाओं का भाव है, आपके अपने पिता के डिजायर या फिर उनके कोई भी होप्स या विशेस को हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके अपने पिता के किसी भी प्रकार के अचीवमेंट्स को हम
सप्तम भाव से देखते हैं। आपके अपने पिता के बड़े भाई बहन, जिसे हम बड़े पापा या ताऊ जी कहते हैं, उसे भी हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। सप्तम भाव दसवें भाव से दसवें स्थान में होता है, इसलिए यह मेनली करियर का स्थान है, आपके अपने प्रमोशन का स्थान है। आपके वर्क फील्ड में जो भी प्रमोशन आप गेन करेंगे, जो भी आपका करियर रहेगा, उसे भी हम सप्तम भाव से भी देखते हैं। आप लाइफ में कितना राइज करेंगे या फिर आपके फेम को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, क्योंकि वह दसवें के दसवां है। अर्थात दसवां क्या है कि आपका अपना स्टेटस, आपका अपना ओहदा, रेपुटेशन, ये सब चीज़ें हैं। और उस ओहदा, उस रेपुटेशन का जो रेपुटेशन होगा वह सप्तम भाव है, इसलिए यह फेम का भी स्थान है। इसलिए आपके लाइफ में जो आपको राइज मिलेगी वो हम सप्तम भाव से देखेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कब प्रमोशन मिलेगी, तो आपको देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, किस प्रकार के योग बनाए हुए हैं और आपके सप्तमेश कहाँ पे हैं, और साथ ही आपका सप्तम भाव कब एक्टिवेट हो रहा है। हम आगे बात करेंगे कि एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है किसी भी भाव का। सप्तम भाव आपके एकादश भाव के नवम स्थान में होता है, इसलिए आपके बड़े भाई बहन के लक का स्थान भी सप्तम भाव है। उनके अपने रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, या फिर वो अपने लाइफ में किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उनके लाइफ के हायर फिलॉसफी को हम आपके सप्तम भाव से देखेंगे। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव आपके द्वादश भाव से अष्टम स्थान में पड़ता है, और द्वादश स्थान आपकी अपनी दादी का स्थान है, तो आपकी दादी की मृत्यु को हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। या फिर बारहवां भाव आपके स्पिरिचुअल लाइफ का भी स्थान होता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ के डेथ को हम सप्तम भाव से देखते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के डेथ को का अर्थ है कि जब आपका विवाह होता है तो आप एक फाउंडेशन में बॉन्ड होते हैं, आपको अपना गृहस्थ आश्रम को चलाना होता है, और ये नॉर्मल सी बात है कि हम गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते। वो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए बस और बस इसीलिए वो रिजुमिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है। अर्थात जब आपकी शादी होती है तो आप पहले तो अपने वैवाहिक जीवन में बंधते हैं, एक गृहस्थ आश्रम में बनते हैं, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्त्री या आपके अपने पुरुष किस प्रकार के हैं, उनका स्पिरिचुअल लाइफ किस प्रकार का है, उनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनका स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट किस प्रकार का है, और वो आपको किस प्रकार से हेल्प कर रहा है आपके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसीलिए बस यह रिजुविनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है। यह सप्तम भाव स्पिरिचुअल लाइफ से दूर जाना या फिर उसका अंत होना भी है। आपके अपने इंट्यूशन का लॉस भी यह सप्तम भाव ही है। आमतौर पर जब किसी का विवाह होता है तो उनका स्पिरिचुअल लाइफ एंड होता है, पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके सप्तम भाव में ही उच्च के बृहस्पति हैं या फिर केतु विराजमान है, और आपने अपने राहु और केतु के एक्सिस को समझ लिया है, तो फिर वो आपको एक स्पिरिचुअल उपलब्धि ही प्राप्त कराएगा विवाह के बाद भी। सप्तम भाव से हम जेल को भी समझते हैं, जेल को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। वैसे तो जेल का स्थान, जेल आइसोलेशन, इनका स्थान बारहवां भाव है, लेकिन बारहवां भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव से जेल को देखा जाता है। इसका रीजन यह है कि जेल का अर्थ यही नहीं है कि बस एक पनिशमेंट, जेल में जब हम जाते हैं तो वहां पे एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, हम एक फाउंडेशन में रहते हैं। उसी प्रकार जब हमारी शादी होती है तो हमें अपने पूर्व के जीवन से निकलकर एक फाउंडेशन में बंधना होता है, अपने स्पाउस के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करके हमें जीना होता है, और बस इसीलिए यह जेल का भी स्थान माना गया है। तो दोस्तों, ये तो हुआ भवत भवम से हमने देखा कि सप्तम भाव से हम और किन किन चीज़ों का विचार कर सकते हैं।
आइए हम बात करते हैं कि सप्तम भाव किस प्रकार एक्टिवेट होता है। सबसे पहला तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अगर आपकी मैरिज हो जाती है, अगर आप मैरिड हैं, तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेटेड है। साथों साथ अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में बंधते हैं या फिर किसी भी प्रकार के लीगल बॉन्ड को आप साइन करते हैं, फिर भी आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जिस भी ग्रह की महादशा आपके जीवन में चल रही है और जब वह ग्रह आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करते हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करते हैं, तब भी आपका सप्तम भाव ऑन होता है। उसके साथ साथ एक चर दशा होती है। चर दशा राशियों की अपनी दशा होती है। जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा में हम ग्रहों की महादशाओं को देखते हैं, उसी प्रकार चर दशा में हम इन 12 राशियों की दशा को देखते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके सप्तम भाव में धनु राशि है और आपके जीवन में धनु चर की महादशा अभी जस्ट ऑन हुई है और आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया है। तो जैसे हमने देखा था कि आपके अपने बड़े भाई बहन के ट्रैवल को हम सप्तम भाव से देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या फिर विदेश यात्रा, इन चीज़ों को हम देखते हैं आपके सप्तम भाव से। तो अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, आपसे बड़े कोई भाई बहन हैं, और जब आपकी आप ये नोटिस कर सकते हैं, अगर आपका विवाह हो गया है तो आपको नोटिस करना और भी इजी होगा, या फिर आप भविष्य में ये नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी विवाह होगी, विद इन अ ईयर, विद इन एक दो साल के अंदर आपके बड़े भाई बहन का ट्रैवल शुरू हो जाएगा, वो ट्रैवल करने शुरू हो जाएंगे। इसका रीज़न यह है कि आपका सप्तम भाव एक्टिवेटेड है और जिस प्रकार के वहाँ पर योग बना हुआ है, सप्तमेश जिस प्रकार के हैं, तो उस प्रकार का वो फल को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक भाव से कितने सारे फल को निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें अगर पता हो कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तम भाव के कौन स्वामी है और वो कहाँ पे स्थित है, सप्तम भाव में और किन ग्रहों का अपना एक्सपेक्ट या दृष्टि है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो कितने डिग्री में कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों को जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक संपूर्ण फल तक हम पहुंच सकते हैं, एक सटीक फल तक हम पहुंच सकते हैं कि क्या और किस प्रकार आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं या फिर आने वाली है। और सिर्फ एक भाव के एक्टिवेट होने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपसे संबंधित सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कई बार कई क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम मेरी कुंडली के कारण मेरे फादर को हो रही है। तो इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ही जतन करना होता है, बहुत चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली आपके पिता से नहीं संबंधित है, आपकी अपनी माता की भी कुंडली, आपके अपने छोटे या बड़े भाई बहन, या फिर आपकी दादी, आपकी नानी, या फिर आप जितने भी रिलेटिव्स देख रहे हैं, उन सबों की कुंडली आपके पिता से कनेक्टेड है। तो वो योग अगर आपकी कुंडली में दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह अनिष्ट या फिर वह शुभ चीज़ आपकी कुंडली के कारण हो रही है, वो सभी कुंडली एक मिलकर एक फल को बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने सेवंथ हाउस को जाना, सेवंथ हाउस को डीकोड किया और देखा कि सप्तम भाव से हम और कई फल को किस प्रकार निकाल सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में आठवें घर के बारे में बात करेंगे कि आठवां भाव क्या है और उससे हम और किन किन विषयों को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कोई अनिष्टकारी योग चल रहा है, आपके ऊपर किन ग्रहों की दशा चल रही है, क्या चर दशा है, क्या योगिनी दशा आपके ऊपर चल रही है और उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर होगा, तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है astro4u.com, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।